बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब कैसे होंगे। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आऊँ पाए साफ़ करने के वाले से, ठीक है। ये बत्ती के साथ हम पाए साफ़ करेंगे। 8 पाए हैं मेरे पास, तो बत्ती में आग जला ली है, तो एक एक पाए को जलाते जाएंगे और साफ़ करते जाएंगे। इस बत्ती के साथ ये होता है कि पाए जल्दी जल जाते हैं, आसानी के साथ जल जाते हैं। चूल्हे के ऊपर आपको पता है कि सही तरह जो ना सेक वगैरह नहीं लगता, थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, तो इसके साथ ये है कि बड़ी आसानी के साथ ये पाए वगैरह साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक या दो पाए जो आपने साफ़ करने हैं, पहले उनको जलाएँगे अच्छी तरह, एक साइड से पहले जला लें और फिर उनको इस तरह छुरी की मदद से खुरचेंगे, तो इंशाल्लाह ऊपर से बाल वगैरह उतर जाएंगे। ये देखें बिल्कुल सफ़ेद नीचे से निकल रहे हैं, जहाँ जहाँ से सही तरह जला होगा वहाँ से नीचे से सफ़ेद निकलेंगे। जो ना जलेगा उसको दोबारा आप जला लें। पहले एक साइड से इसको जलाएंगे अच्छी तरह साफ़ करेंगे। पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं बगैर जलाने के पाए साफ़ करने का तरीका भी हैं, वो भी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे उसके लिंक वगैरह आई बटन में लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लें। और चूल्हे को ऊपर जलाने वाले और ये बत्ती से जलाने वाले ये भी वीडियोज़ मौजूद हैं, ये भी आप देखें। बड़े पाए छोटे पाए काटने का तरीका सारे मैंने ये शेयर किए हुए हैं, ठीक है। आप ये दूसरी तरफ से इस तरह जलाएँगे इसको, ये देखें, ठीक है। और फिर इसको भी दूसरे से खुरच लेंगे। जी ये देखें मैंने दो पाए जो है इस तरह करके जला लिए हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े करके पहले एक साइड से भी दूसरी साइड से दो पाए मैंने जला लिए हैं, अब तीसरे को आग दे रहा हूँ। जी तो ये देखें माशाल्लाह 6 पाए जो है ना वो जल गए हैं और 2 बाकी रह गए हैं, तो मज़ीद इनको जो 2 रह गए हैं इनको भी जला लेंगे। बाकी ये बत्ती वगैरह जो है ये आपको जो चूल्हे वगैरह वाली दुकान होती है वहाँ से आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सस्ती सी है, कुछ 500-600 रुपये की मिल जाती है। घर में रख दें, सीधी जलाएँ पाए जलाएँ तो बेहतरीन, बड़ी आसानी से हो जाता है। जी तो ये देखें माशाल्लाह पाए हमारे सारे जल चुके हैं, ठीक है। अभी ये सयाह हैं तो इनको जब धोएंगे अच्छी तरह, ठीक है, बर्तन धोले होती है ना कूची, उसके साथ मल मल के इनको धोएंगे तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।